सो हियर वी विल सी वॉट आर दी प्लेटोज. सो प्लेटोज क्या होते हैं? एक रेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ लैंड दैट इज फ्लैट एट द टॉप. सो इमेजिन एज इफ यू हैव सीन माउंटेन्स, राइट? माउंटेन्स कैसे थोड़े ऊंचे होते हैं पर वो एकदम टॉप तक जाते जाते नैरो हो जाते हैं. पर प्लेटोज कैसे होते हैं? टॉप पे फ्लैट होते हैं. जैसे कि एक टेबल टॉप, तो टेबल के ऊपर कैसा होता है? फ्लैट सरफेस. वैसे ही प्लेटोज थोड़ा ऊंचा फिर एकदम फ्लैट होता है टॉप पर, इसलिए उसे टेबल लैंड भी बोला जाता है. द साउदर्न प्लेटोज इज ट्राइंगुलर इन शेप एंड लाइज इन द साउथ ऑफ नर्मदा. इस फिगर में आप देख सकते हो कि साउदर्न प्लेटू ये ब्राउन कलर में जो दिया है वो ट्रायंगुलर शेप में है और साउथ ऑफ नर्मदा में फॉल करता है. इट इज़ ब्रॉडर इन द नॉर्थ एंड नैरो इन द साउथ. तो जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो तो ये नॉर्थ की तरफ जब जा रहा है तो ब्रॉडर है, मतलब यहाँ से फैला हुआ है, और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वो नैरो होता जाता है. स्टेट्स विच लाई इन दिस रीजन, तो इस साउदर्न प्लेटूज में फॉल करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला एंड ओडिशा. तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जो इस रीजन में फॉल करते हैं. तो आपको पता चला साउदर्न प्लेटूज क्या होता है, राइट? तो साउदर्न प्लेटूज लाई करते हैं साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स. तो नॉर्थन प्लेन्स के साउथ में लाई करता है साउदर्न प्लेटू एंड एक्सटेंड्स अप टू कन्याकुमारी, और नीचे बॉटम में कन्याकुमारी तक वो फैला हुआ है, जिसे हम बोलते हैं साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. ये जो साउदर्न प्लेटू है वो सराउंडेड बाय हिल्स, मतलब उसके आसपास हिल्स हैं. नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लेटूज लाइज अरावली हिल्स, विंध्या एंड सतपुरा रेंज. राजमहल हिल्स आर टू द नॉर्थ वेस्ट, और जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्ट साइड पे हैं, और ईस्टर्न घाट्स लाइज इन द ईस्ट, और नीलगिरी एंड द कार्डमम हिल्स आर टूवर्ड्स द साउथ. तो जो रिवर्स हैं इन रीजन के, मतलब साउदर्न प्लेटूज में जो रिवर हैं वो सीजनल हैं. सीजनल मीन्स दैट दे आर नॉट वेरी बिग एंड डिपेंड्स ऑन द रेन, मतलब अगर अच्छी बारिश हुई तो ये रिवर्स अच्छे से फ्लो करेंगी, पर अगर रेनफॉल इज नॉट हाई देन द रिवर्स माइट नॉट फ्लो लैस इट यूज टू फ्लो. इन द नॉर्दर्न प्लेन्स रिवर्स आर लार्जर एज द सोर्स लाई इन द ग्लेशियर एंड स्नो कवर्ड माउंटेन. बट जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो रिवर्स आर लार्जर. Why? Because their source lies in the glacier and the snow-covered mountains. Because they get water from the snow-covered mountains, when that water flows into them. So, northern plains rivers are larger compared to southern plateaus. And during poor monsoon, what happens? These rivers dry up in southern plateau. So if there is no good rainfall happening throughout the year, then these rivers dry up. Okay? So the rivers in this plateau flows with great speed and even form waterfalls. So if there is nice rainfall, then the rivers flow with great speed and they even form waterfall. You can see in the figure, right? So the Jog Falls in Karnataka is one of the highest waterfall in India. So जो कर्नाटक का जॉग फॉल्स हैं वो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल्स में से एक है. जो नर्मदा रिवर फ्लो करती है वो ह्यूज प्लेटू, ये जो साउदर्न प्लेटू है बहुत बड़ा है, उसके रीजन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. एक है सेंट्रल हाइलाइट्स जो नॉर्थ में है, और एक है डेक्कन प्लेटू जो साउथ में है. हम इसके बारे में डेप्थ देखेंगे. तो सेंट्रल हाईलाइट्स आर सराउंडेड बाय अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट. तो जो सेंट्रल हाईलाइट्स है वो अरावली हिल्स नॉर्थ वेस्ट में उससे सराउंडेड है, विंध्या रेंज इन साउथ और छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट. तो जो सेंट्रल हाईलाइट्स है उसके सराउंडिंग में क्या क्या है? अरावली हिल्स है जो नॉर्थ वेस्ट में है, विंध्य रेंज है जो साउथ में है, और एक छोटा नागपुर प्लेटू है जो ईस्ट में है.
और जो मालवा प्लेटू है वो सेंटर में लाई करता है. ओके, द सेंट्रल हाईलाइट्स आर ड्रेन बाय मैनी रिवर्स. सम ऑफ देम लाइक चंबल, बेतवा एंड सन जॉइन द गंगा एंड यमुना रिवर सिस्टम फ्रॉम द साउथ. तो जो सेंट्रल हाईलाइट्स है उसमें बहुत सारे रिवर्स है, तो वो चंबल, बेतवा, सन ये सब फ्लो करके गंगा एंड यमुना रिवर सिस्टम पे मिक्स हो जाती हैं. तो ऐसे रीजन में दे आर रिच विथ ब्लैक सॉइल, मतलब उनमें ब्लैक सॉइल ज़्यादा है, विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन. सो दिस रीजन इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन बिकॉज दे हैव रिच इन ब्लैक सॉइल. छोटा नागपुर प्लेटू इंक्लूड्स झारखंड, नॉर्थन ओडिशा एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़. द एंटायर रीजन इज रिच इन वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज कोल, आयरन, मैग्नीशियम, बॉसाइट एंड मिका. दिस माइंस आर लोकेटेड इन झारिया, गिरिडीह, बोकारो एंड रानीगंज. ओके, तो छोटा नागपुर प्लेटू में जो रीजन्स हैं वो पूरा वैल्यूएबल मिनरल से भरा हुआ है. ओके, जो झारखंड, नॉर्थन ओडिशा और नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ में फॉल करता है. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू हैज़ रॉकी एंड अनइवन टेरेन. मतलब डेक्कन प्लेटू रॉकी है, पत्थरों से भरा है और अनइवन है. एक टेरेन मतलब इलाका जो हम हिंदी में बोलते हैं ना वो. इट लाइज टू द साउथ ऑफ द सतपुरा रेंज एंड एक्सटेंड्स अप टू द साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला इंडिया. तो ये साउथ ऑफ सतपुरा रेंज से स्टार्ट होकर कहाँ तक फैला हुआ है, साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला इंडिया. अनामोरी इज द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज रीजन. द डेक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाई द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स एंड बोथ मीट एट द नीलगिरी हिल्स. The eastern ghats are stretched from the Mahanadi Valley to the Nilgiri in the south. तो जो eastern ghats हैं वो Mahanadi Valley से start होकर Nilgiri south तक फैले हुए हैं. वो irregular हैं और rivers की वजह से वो cut होते, rivers बीच में आ जाते हैं और वो Bay of Bengal तक reach करता है. जो western ghats हैं वो continuous stretch of hills है, एक जैसे ही hills एक के बाद एक हिल्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं. पर ईस्टर्न घाट्स में क्या है, इररेग्युलर है और बीच में रिवर्स भी आती हैं. दे लाई क्लोज टू द सी अलोंग द वेस्टर्न कॉट्स. महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्ट वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट. तो ये जो रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी जो शुरू होती है वेस्टर्न घाट्स में और फ्लो करती हैं ईस्ट तक. नर्मदा तापी जो दो रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ और अरेबियन सी में जाके मिलती हैं. इसमें सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन डेक्कन प्लेटू. तो डेक्कन प्लेटू की जो रिवर्स हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, गोदावरी.